शिवपुरी में ब्यास गोदाम पर चोरों का धावा, लाखों रुपए का सामान समेट ले गए चोर। शिवपुरी शहर के कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने एक प्याज के गोदाम को अपना निशाना बनाते हुए प्याज संग्रहण के इस्तेमाल में लाई जाने वाली जालियां और गैस किटों को चुरा कर ले गए हैं। गोदाम मालिक ने चोरों की शिकायत कोतवाली में दर्ज कराई है। गोदाम मालिक ने चोरी की शिकायत कोतवाली में दर्ज कराई है। गोदाम मालिक शमसुद्दीन शेख ने बताया है कि उसका प्याज का गोदाम फतेहपुर क्षेत्र के 28 नंबर कोठी में है। आज सुबह पड़ोसियों ने गोदाम में हुई चोरी की घटना दी थी। मौके पर पहुंचकर देखा तो गोदाम की छत पर रखी प्याज संग्रहण की 50-60 जालियाँ चोरी हो चुकी थीं। साथ ही कुछ जालियां गोदाम के पीछे खेत में पड़ी हुई मिली। इसके अतिरिक्त चोर 15 से 20 गैस किटों को भी चुरा कर ले गए। गोदाम मालिक के अनुसार चोरी के इस वारदात में उसे 1.5 से 2 लाख का नुकसान हुआ। इसकी शिकायत कोतवाली में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। क्या नाम है भैया आपका? शमसुद्दीन सिंह। क्या चोरी वगैरह क्या कुछ हो गया? मेरा जो प्याज का गोदाम है, क्या बताया? फतेहपुर रोड 36 नंबर कोठी के जस्ट 28 नंबर कोठी के सामने छत पर मेरी जाली रखी हुई थी। 50-60 जालियाँ चोरी हुई। प्याज की जाली है, लोही की जाली है, लोही की जाली है, गैस किटे हैं, ये लेके गए पीछे छत से लेके गए। कितने ले गए? 50-60 जालियाँ हैं और 15-20 गैस किटे हैं। अच्छा, कीमत क्या होगी? कीमत करीब 2 लाख रुपए, 1.5-2 लाख रुपए के आसपास की कीमत है। कल रात का? आज रात की घटना। आज रात की घटना। आपको कैसे मालूम पड़ा? यहाँ पड़ोसियों ने बताया कि यहाँ से जो है आपके गोदाम पे चोरी हो रही हुई है। कुछ जालियाँ गोदाम के पीछे मिली हुई है खेत में, जो उठा के लेके आए हम लोग। थाने में आवेदन वगैरह? थाने में आवेदन दे दिया है। गाड़ी भी चोरी हुई थी?